Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGCNet Public Administration. Today we are not going to have any discussion on academic session or academic lecture. Today we will discuss about coronavirus, that is COVID-19. ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है ये वायरस, तो इसके बारे में सही जानकारी होना जो है हर किसी के पास बहुत जरूरी है. ठीक है, जो भी हम डिटेल आज इसमें डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑल टेकन फ्रॉम द WHO वेबसाइट. ठीक है, तो आप इस पर रिलाय कर सकते हो. ठीक है, तो COVID-19 बेसिकली जो COVID-19 है इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में ये आई थी. ठीक है, तो इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस. ठीक है, ये जो है कोरोना वायरस की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके द्वारा कॉज की जाती है. ये शुरू हुई थी आपके वुहान नाम की एक जगह में, चाइना में है शहर. ठीक है, वुहान शहर, वहाँ पर शुरू हुआ था ये, कब, दिसंबर 2019 में. ठीक है, और मार्च 11, 2020 WHO ने जो इसको डिक्लेयर किया पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब यहाँ पे हुआ अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड, जिनकी जब कोई बीमारी वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करना शुरू कर देती है हर एक कंट्री को एक लार्ज अमाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम पेंडेमिक. ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है. इसको जो है आप जीके के तौर पे भी काम ला सकते हो मेरे लेक्चर को, क्योंकि इसमें जो है फैक्ट्स काफ़ी सारे हैं जो आपके काफ़ी जो है मतलब एक जनरल स्टडी का सेक्शन पूरा हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इतना एक ट्रेंड कर चुका है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इसलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें और सेफ रहें. ठीक है, ये जो कन्फर्म केसेस की बात करें तो 185 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, तो मार्च 22, 2020 तक कितने कन्फर्म केसेज हैं, 267,013. ठीक है, 267,013. ठीक है, कन्फर्म डेथ्स जो है आज तक हुई है, जो एक ऑफिशियल डाटा बोल रहा है WHO का, दैट इज़ 11,201. ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो 283 केसेस हुए हैं अभी तक. ठीक है, कब तक, मार्च 21, 2020 तक 4 डेथ्स हो चुकी हैं और 22 जो है उसमें से क्योर भी हो चुके हैं. ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल डाटा था WHO का जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखा है. ठीक है, अब देखते हैं जो सारस आया था 2003 में, दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में आया था ये, इसका जो है क्या रिलेशन है COVID-19 के साथ. ठीक है, ये जो है काफ़ी डेडली था लेकिन इन्फेक्शियस इतना नहीं था जितना COVID-19 है. ठीक है, जेनेटिकली दोनों सेम है, यानी COVID-19 भी जो है सेम है जैसे सारस था जेनेटिकली, लेकिन इस जो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं ये दोनों. ठीक है, इनका जो आगे स्पीशीज अलग अलग है. ठीक है, तो उसके सिम्टम्स देखते हैं COVID-19 के क्या क्या हैं. पहला तो फीवर है, ठीक है, बुखार रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, काफ़ी थकान महसूस होगी, ड्राई कफ होगा. ठीक है, कफ जो काफ़ी ड्राई सूखी खांसी आपको लगेगी. ठीक है, सम मे हैव नेजल कंजेशन, पेन, सोर थ्रॉट. ठीक है, कुछ लोगों को जो है नाक में जो है थोड़ी सी कंजेशन भी रह सकती है, दर्द रह सकता है, या फिर गले में काफ़ी सोरनेस हो सकती है यानी कि दर्द हो सकती है. ठीक है, ये कैसा है, बिगिंस ग्रेजुअली. ठीक है, धीरे धीरे से जो है शुरू होता है. मोस्ट पीपल रिकवर, लगभग 80% पीपल जो इसमें रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है. ठीक है, तो उनको जो है ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है. ठीक है, जो सीरियस इलनेस होती है वो होती है आपकी 6 में से किसी एक को. ठीक है, पर्सन विद सिम्टम्स शुड टेक द मेडिकेशन, जो अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इसके तो उसको जो है मेडिकेशन ले लेनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें जो है र्यूमर्स पे आप विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स जो है फैल चुके हैं इसके बारे में, तो ये जो है क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी. ठीक है, फ्रॉम, अब देखिए स्प्रेड कैसी होती है, ये इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम अदर्स हु हैव द वायरस. ठीक है, जिस किसी इंसान को ये वायरस है उससे ये फैल सकती है. ठीक है, कैन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन ए पर्सन कफ्स और एक्सेल. ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है जब जो है उसके जब वो कफ करता है, खांसता है, या फिर एक्सेल करता है, सांस बाहर छोड़ता है जोर से, तो उसके साथ जो कुछ ड्रॉपलेट्स भी आते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसमें ये वायरस हो सकता है. ठीक है, दीज ड्रॉपलेट्स लैंड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसिस अराउंड द पर्सन. ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स और सरफेस के अराउंड जो है काफ़ी जो जमा हो जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जब कोई अदर इंसान जो है उसको छूता है या इन ऑब्जेक्ट्स को या जो भी सरफेस होता है पर्सन के अराउंड, तो उससे क्या होता है, उसके हाथों के द्वारा जो है ये जो वायरस है ये चला जाता है उनके आईज़, नोज़ और माउथ में जब उनको टच करते हैं. ठीक है, इस तरह से जो है फैलता है. पीपल कैन ऑल्सो कैच COVID-19 इफ दे ब्रीद इन द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ए पर्सन विद COVID-19 हु कफ्स आउट एंड एक्सहेल ड्रॉपलेट्स. ठीक है,
लोग जो है COVID-19 को, जब जब कोई इंसान अगर इन्फेक्टेड है, अगर वो ड्रॉपलेट्स छोड़ता है बाहर खांसते हुए या फिर छींकते हुए या फिर जोर से सांस लेते हुए, तो अगर साथ ही साथ दूसरा पर्सन भी जो है इनहेल करता है उन ड्रॉपलेट्स को, ठीक है, मतलब कैसे भी करके, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको भी COVID-19 हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स वाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज नेसेसरी फ्रॉम ए पर्सन हु इज सिक। इसलिए बोलते हैं कि जो पर्सन बीमार है, जिसको खांसी या जुकाम लगा हुआ है, वो उससे जो है लगभग 1 मीटर की दूरी आप बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर्स की अगर बात करें, तो सिंपल सी बात है, पहली बात है कि एक तो अवेयर रहें, दूसरा र्यूमर्स पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं आजकल, ठीक है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आप जुड़े रहिए, वहाँ से ऑथेंटिक डाटा लीजिए, ठीक है, जैसे कि WHO की वेबसाइट है, वहाँ से आप डाटा ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अपने हाथों को जो है रेगुलरली वॉश कीजिए, ठीक है, विद सोप या फिर अल्कोहल बेस्ड कोई हैंड वॉश होगा तो, ठीक है। मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अवॉइड टचिंग योर आइज़, अपनी आइज़ को जो है टच करने, आइज़ माउथ या नोज़ को टच करने से बचिए, ठीक है। स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल, ठीक है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप घर में रह सकते हैं, ठीक है, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आप मास्क भी पहन सकते हैं अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो गया तो। उसके बाद देर इज़ नो ड्रग और वैक्सीन फॉर इट राइट नाउ, अभी तक जो है कोई ना तो उसके लिए ड्रग है ना ही कोई वैक्सीन है, ठीक है। लैब टेस्टिंग इसकी चली हुई है, दवाइयाँ अभी, ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन अभी बन जाए, हो सकता है टाइम भी लग जाए, तब तक जो है आपने खुद को जो है सेफ रखना है बाय बीइंग अवेयर, ठीक है। योर अवेयरनेस इज़ ओनली द सोल्यूशन, ठीक है, जब तक आप अवेयर हैं तब तक आप सेफ हैं, ठीक है। अगर आप र्यूमर्स के चक्कर में आएंगे तो डेफिनेटली पाए जा सकते हैं। फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉपरेट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी कर रही हैं उसके साथ आप कॉपरेट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, तभी जो है आप इससे सेफ हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द COVID-19, जो भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, ठीक है। स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।